अबोहर में किन्नू का नया सीजन उम्मीदों के साथ शुरू हुआ है। इस साल गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण किन्नू का साइज छोटा रह गया है। किन्नू का रंग भी अभी तक हरा ही है, इसके चलते बाजार में किन्नू का भाव अच्छा नहीं मिल पा रहा है। बाजार में भाव नरम होने के कारण ज्यादातर बागों में किन्नू की तुड़ाई का काम दिवाली तक रोक दिया गया है। किन्नू उत्पादक कटाई और मंडीकरण को लेकर आगे की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। किन्नू की फसल के संबंध में जानकारी लेने के लिए हमने कुछ बागों का चक्कर लगाकर इस कारोबार से जुड़े लोगों से बात की। सभी का मानना था कि दिवाली के बाद किन्नू की क्वालिटी में सुधार आने के साथ भाव में भी उठाव आएगा। आइए किन्नू के कारोबार से जुड़े कुछ लोगों की बाइट सुन लेते हैं। देखो जी, किन्नू की फसल अब की बार ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा गर्मी की टेम्परेचर का जो मार पड़ी है इसकी, इसका साइज नहीं बना अगली बार। ठेकेदार जो ले रहे हैं उनको इसका मार्जिन नहीं मिल रहा पूरा, जो वजन वेट नहीं निकल रहा इसका पूरा। आगे जैसा जी जैसे ठंडा, अभी थोड़ी ठंड पड़ने लगी है इसलिए इसकी क्वालिटी कोई फर्क पड़ेगा, और इसका अब कलर पकड़ेगा, यह कलर भी नहीं है अभी, इसको कलर आएगा अभी, तो टेम्परेचर की वजह से इसको थोड़ी मार पड़ रही है। किन्नू की फसल अब की बात ठीक है और मालिकों को पैसे अच्छे मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे को मिल नहीं रहे बाग, मालिक मांग रहे 15-16 के पैसे, दाम आ रहे 10 रुपये के पीछे से बिक्री, इसलिए अभी एक बार बाग सब डाउन पे हैं। किन्नू चल रहा है 10 से 11 रुपये और मालिक मांग रहे हैं 15-16 के। अभी तुड़ाइयाँ बंद, पहले सालों में अच्छा रहा था, 10 रुपये की बिक्री थी तो हमारे को 6-7 रुपये भी बगीचों में मिल जाता था। अब की बार थोड़ा तेज है तो इसलिए बगीचे मिल नहीं रहे, ठेके पे दे नहीं रहे मालिक। किन्नू की आगे चल के थोड़ा रेट बढ़ेगा, पर अभी तो ये कच्चा किन्नू है, इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, उतार चढ़ाव आता रहता है, बाकी किन्नू पकने पर अच्छा रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपके एरिया में किन्नू की फसल की स्थिति और संभावित भावों के बारे में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।